अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? जी, आवाज़ आप लोगों को आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? एनीवन? अवेस खान? जी सर, स्पीकर की गड़बड़ आवाज आ रहा जी। ज्यादा यासीन राजी उस जमा तरफ ना राजी यासीन तकमा भी उठ कोस पसेश क्लियर दे उसा जी सर, क्लियर दें। ओके ना यासीन, आप काइंडली अपना माइक जो है ऑन ना करे तो उसमें जो है काफी शोर आ रहा है। यासीन ऑफ कर ले, बस ऑफ ही रहने दे, कोई बात नहीं। कोई बात आप करना चाहे तो मैसेज में करें। मैं प्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लाइंट आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें ताकि जो रिकॉर्डिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। स्क्रीन आप लोग के साथ जो है शेयर हो रही है? जी बिल्कुल। ओके, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17 है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ फेल्योर एंड क्राइटेरिया फॉर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम के लिए कौन कौन से मोड्स ऑफ फेल्योर हैं और उनका जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है ग्रेविटी डैम के लिए वो क्या है। सो अ ग्रेविटी डैम मे फेल इन द फॉलोइंग वेज। जो ग्रेविटी डैम है वो हमारे पास जो है जो फॉलोइंग वेज जो है के अंदर जो है हमारे पास ग्रेविटी डैम जो है फेल हो सकता है। उनमें जो पहला है वो है बाई ओवरटर्निंग और रोटेशन अबाउट द टो, मीन्स के आपका जो डैम है वो ओवरटर्न कर सकता है, तो एक फेल्योर आपके पास जो है ये है। सेकेंड बाय क्रशिंग, दूसरा जो फेल्योर मोड ऑफ फेल्योर है वो आपके पास ये है कि आपका जो डैम है वो क्रश कर जाए। और तीसरा जो फेल्योर है वो है बाय डेवलपमेंट ऑफ टेंशन कॉजिंग अल्टीमेट फेल्योर बाय क्रशिंग। और तीसरा जो है अल्टीमेट टेंशन की वजह से जो है टेंशन आपके स्ट्रक्चर के अंदर जो है क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से आपके पास जो है अल्टीमेट क्रशिंग जो है अल्टीमेट फेल्योर की वजह से आपके पास जो है क्रशिंग हो। और लास्ट वन जो है बाय शेयर फेल्योर कॉल्ड स्लाइडिंग, आपके पास जो है शेयर फेल्योर हो जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्लाइड कर जाए अपनी पोजीशन से। तो ये आपके पास जो है चार मोड्स ऑफ फेल्योर हैं जो कि किसी भी ग्रेविटी डैम के अंदर आपके पास जो है अकर्स हो सकती हैं। द फेल्योर मे अकर एट द फाउंडेशन प्लेन, दैट इज एट द बेस ऑफ द डैम, और एट एनी अदर प्लेन एट हायर लेवल। आपके पास जो फेल्योर है ये जितने भी चार फेल्योर है ये आपके पास जो है अकर हो सकती हैं फाउंडेशन प्लेन के भी ऊपर भी, यानी कि बेस ऑफ द डैम के ऊपर भी आपके पास अकर हो सकती हैं, या किसी और लेवल के ऊपर किसी और हाइट के ऊपर भी जो है आपके पास जो है ये अकर हो सकती हैं ये चारों फेल्योर्स। फर्स्ट वन जो है ओवरटर्निंग है, तो द इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डैम, अगेन मैं आपको बता चलूं काइंडली जो है आपको जो है तकरीबन मैंने 10 मिनट दिया जाता वो, तो जल्दी जो है उन 10 स्टार्ट के 10 मिनट में आप ज्वाइन कर लिया करें। जो बाद में आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उनसे जो है लेक्चर जो है डिस्टर्ब होता है, तो काइंडली जो है आप विद इन फर्स्ट 5 मिनट जो है ज्वाइन कर लिया करें। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डैम एट एनी ऑफ इट्स सेक्शन पासिस आउटसाइड द टो, द डैम शैल रोटेट एंड ओवरटर्न अबाउट द टो। अगर आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्सेस है यानी जितने भी फोर्सेस आपके डैम के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है, जो पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा के फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डैम, तो उन सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है अगर वो आपके पास जो है पास हुआ आपके टो के आउटसाइड से, ये आपके पास जो है हील है डैम का, ये आपके पास जो है टो है अगर आपका जो, और ये आपके पास जो है रिजल्टेंट फोर्स है, तो जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनका अगर रिजल्टेंट जो है वो आपके टो से जो है बाहर जो है पास हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो रोटेट हो जाएगा या जो है ओवरटर्न हो जाएगा या रोटेट या ओवरटर्न कर जाएगा अबाउट इट्स टो। प्रैक्टिकली सच ए कंडीशन शैल नॉट अराइज एज द डैम विल फेल मच अर्लियर बाय कंप्रेशन। प्रैक्टिकली जो है ये कंडीशन जो है आपके पास जो है अगर नहीं, ये कंडीशन आपके पास जो है अगर नहीं होगी, क्योंकि अगर ये कंडीशन अकर हो तो इससे पहले पहले आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो कंप्रेशन की वजह से जो है
फेल हो चुका होगा। सो प्रैक्टिकली ये कंडीशन जो है नॉर्मली अकर नहीं होती, ये नहीं कि ओवरटर्न नहीं। द रेशियो ऑफ द राइटिंग मूवमेंट अबाउट टो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टू द ओवरटर्निंग मूवमेंट अबाउट टो क्लॉकवाइज इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। इट्स वैल्यू जनरली वेरीज बिटवीन 2 to 3। आपके पास जो रेशियो है राइटिंग मूवमेंट का यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टू द ओवरटर्निंग मूवमेंट अबाउट टो जो कि आपके पास जो है इन दो का है यानी कि आपके पास ईवी और ईएच यानी कि इन दोनों का जो आपके पास जो है रेशियो है ये आपके पास जो है कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग और इसकी जो वैल्यूज है ये नॉर्मली जो है वेरी करती है बिटवीन 2 to 3। नेक्स्ट जो फोर्स है वो है सॉरी जो मोड ऑफ फेल्यूअर है वो है कंप्रेशन और क्रशिंग। अ डैम में फेल बाय फेल्यूअर ऑफ इट्स मटेरियल दैट इज द कंप्रेशन स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड में एक्सीड द अलाउबल स्ट्रेसेस एंड द डैम मटेरियल में गेट क्रश्ड। आपका जो डैम है वो आपका जो है फेल हो सकता है बाय फेल्यूअर ऑफ इट्स मटेरियल कि आपका जो जिस मटेरियल से आपने डैम कंस्ट्रक्ट किया है अगर वो मटेरियल जो है उसके अंदर जो है कोई फेल्यूअर आ जाए ठीक है तो उसकी वजह से आपका डैम जो है वो फेल हो सकता है। आपके जो डैम है अगर उसके अंदर जो है काफी ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाए और वो जो आगे पास जो अलाउबल स्ट्रेसेस है अगर वो उसको जो है एक्सीड कर जाए तो आपका जो मटेरियल जिस डैम से बना है ठीक है यानी जिस डैम जिस मटेरियल से आपका डैम बना है तो मटेरियल जो है क्रश कर जाएगा, रिजल्ट आपका जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा ड्यू टू क्रशिंग या कंप्रेशन। The vertical direct stress distribution at the base is given by the equation. आपके पास जो vertical direct stress distribution है उसका लिए जो है equation जो है given है जो कि P is equal to direct stress plus bending stress. ठीक है इसमें जो है P max है और P minimum है ठीक है P max divided by P minimum is equal to EV divided by V plus minus M over I into Y. इसमें आपके पास जो V है या आपके पास जो है डायरेक्ट स्ट्रेसेस है वो यानी कि वर्टिकल स्ट्रेसेस है, M जो आपके पास मूवमेंट है, I इनर्शिया है और Y जो है कोई भी डेप्थ है ठीक है और B जो है टोटल वेट ऑफ द वेट एट द बेस है। इसमें आपके पास जो I है वो आपके पास बराबर है B² / 6 इंटू E और ठीक है सॉरी आपके पास जो है इसमें आपके पास जो है समीशन V डिवाइड बाई बी अपनी जगह पे आ जाएगा प्लस माइनस आपके पास जो एम है या के यानी कि जो मूवमेंट है ये आपके पास बराबर है समेशन V इंटू ई की और आई जो है आई जो है आपके पास बराबर है B² / 6 के। इसमें से आप जो है समेशन V डिवाइड बाई बी कॉमन ले लें तो आपके पास जाएगा 1 + -6 E डिवाइड बाई बी यानी कि आपके पास जो है मैं पॉजिटिव भी प्लस भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकता है। So, ये आपके पास जो है एक इक्वेशन आ जाएगी ये इक्वेशन आपको जो है डायरेक्ट वर्टिकल स्ट्रेसेस जो है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको जो है इस इक्वेशन से उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसमें जो ई है ये आपके पास जो है इसेंट्रिसिटी ऑफ रिजल्टेंट फोर्स है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस यानी कि आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जो है कितनी जो है इसेंट्रिसिटी के ऊपर है आपके बेस सेंटर ऑफ द बेस से प्लस जो आगे पास जो ईवी है वो आपके पास जो है टोटल फोर्स है। सर जी मोहम्मद इस्लाम रिक्वेस्ट कर दे क्लास ज्वाइन कर लो दोबारा अम्मा सर आने वो भी जी ज्वाइन जी हो गया है ओके तो और बी जो है आपके पास जो है बेस वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है ये आपके पास जो है रिजल्टेंट इज नियर टू द टो हेंस मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज प्रोड्यूस एट द टो ये आपके पास जो है रिजल्टेंट फोर्स है। ये रिजल्टेंट फोर्स आपके पास जो है कहां से आता है जितने भी आपके पास जो है जो स्ट्रेसेस है वो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर जब एक्ट करती हैं जिसमें आइस प्रेशर है विंड प्रेशर है अर्थक्वेक प्रेशर है जो अपलिफ्ट प्रेशर है और ग्रेविटी वेट ऑफ द डैम का जो प्रेशर वेट ऑफ द डैम है जितने टाइप ऑफ प्रेशर जो हमने पढ़े जो कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम है तो वो सारे फोर्स जो है जब एक्ट करते हैं तो आगे पास जो है एक रिजल्टेंट फोर्स आता है ठीक है तो ये वो रिजल्टेंट फोर्स है। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स आपके टो के नजदीक होगा तो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर जो यानी कि टो के ऊपर जो है आपके पास जो है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो है प्रोड्यूस होगी। फिगर में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो नियर द टो है तो आप जो है जो कंप्रेशन डायग्राम है वो आप देख सकते हैं कि हील के ऊपर आपके पास जो है जो पी मैक्स है यानी कि जो वर्टिकल स्ट्रेसेस है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है वो जो है हील के ऊपर मिनिमम है
लेकिन चूंकि रिजल्टेंट आपका जो है वो नियर द टो है, तो दैट्स व्हाई आपके पास जो कंप्रेशन स्ट्रेसेस है वो बहुत ज्यादा टो के ऊपर जो है प्रोड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से जो आईएस आईएस अगर आपके पास जो ये कंप्रेशन स्ट्रेसेस जो है एक्सीड कर दी जाएंगी, तो ये जो है आपका जो अलाउेबल स्ट्रेसेस है उसको जब एक्सीड कर जाएगा तो रिजल्ट आपका जो मटेरियल है यहाँ पर जो है क्रश कर जाएगा। द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट इज पी मैक्स विल बी प्रोड्यूस ऑन द एंड व्हिच इज नियर टू द रिजल्टेंट एज शोन इन फिगर 19.7 ए एंड बी। ये आपके पास जो है अगर रिजल्टेंट आपका जो है ये फिगर, ये एक फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं अगर आपका इस केस में आपके पास जो रिजल्टेंट है वो नियर द टो है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास जो कंप्रेशन स्ट्रेसेस है वो नियर द टो आपके पास जो है मैक्सिमम है। सिमिलरली अगर आपका जो रिजल्टेंट है वो नियर द हील है, तो उस केस में आप देख सकते हैं कि आपका जो कंप्रेशन स्ट्रेसेस है वो नियर द हील आपके पास जो है कितनी ज्यादा जो है क्रिएट हो रही है। तो मेनली आपके जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है आपके रिजल्टेंट के ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स के ऊपर, कि आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है कहाँ पे बन रहा है। अगर आपका रिजल्टेंट फोर्स आपके डैम के सेंटर लाइन से जो है दूर बन रहा है, तो उस पॉइंट के ऊपर जो है काफी ज्यादा वर्टिकल स्ट्रेसेस जो है प्रोड्यूस होगी, एज रिजल्ट आपका जो मटेरियल है वो उसको बियर नहीं कर सकेगा और आपका मटेरियल जो है वो फेल कर जाएगा, एज रिजल्ट आपका स्ट्रक्चर जो है वो क्रश कर जाएगा। इफ बी मिनिमम कम्स आउट टू बी नेगेटिव इट मीन्स दैट टेंशन शैल बी प्रोड्यूस एट द अप्रोप्रिएट एंड। अगर आपके पास जो है पी मिनिमम जो है आपके पास जो है नेगेटिव है, तो दिस मीन्स कि आपके पास जो है नेगेटिव, सो दिस मीन्स कि आपके पास जो है टेंशन जो है उस पॉइंट के ऊपर जो है क्रिएट हो रही है। फिगर में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है पी मैक्स पॉजिटिव है और ये आपके पास जो है पी नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव से मुराद ये है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर कंप्रेशन जो है इस पॉइंट के ऊपर जो है क्रिएट हो रहा है, और पी नेगेटिव से मुराद ये है कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर इस पॉइंट के ऊपर जो है टेंशन क्रिएट हो रहा है। इफ पी मिनिमम एक्सीड्स द अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ऑफ अ डैम मटेरियल जनरली टेकन एज 300 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर दैट इज 30 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर फॉर कंक्रीट डैम में क्रश एंड फेल बाय क्रशिंग। सो अगेन क्या अगर पी मिनिमम जो है एक्सीड करता है आपके अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को, तो आपका जो डैम मटेरियल है वो क्रश कर जाएगा, क्योंकि वो उसकी जो है कैपेसिटी नहीं होती कि उसको जो है बियर कर सके। यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहते हो तो आप लोग जो है मीटिंग लीव कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम वाले सलाम जी फवाद रहमान सर, कतरे दिन चेक करे जी, चेक करे मेरी सर, भी मार्क्स उठा हुआ सही रख रुक की वजह का उसका शेयर कर। सही। डेरा शुक्रिया सर।